बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20I मैचों की सीरीज संजू सैमसन के T20I अंतर्राष्ट्रीय कैरियर के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। अगर इस सीरीज में संजू सैमसन फिर से फेल हुए तो यकीन मानिए अब वह लंबे समय के लिए टीम इंडिया से बाहर जाएंगे। वहीं अगर इन 3 T20I मैचों में से एक दो में भी वह अच्छे खासे रन बना दें और एकांत में शतक वतक लगा दिए तो समझो कि T20I फॉर्मेट में उनकी जगह लगभग पक्की हो गई, क्योंकि T20I फॉर्मेट में एक विकेटकीपर बल्लेबाज की जगह आज भी टीम इंडिया में कोई ले नहीं सका है। T20I क्रिकेट में ऋषभ पंत, ईशान किशन, जितेश शर्मा, ध्रुव जुरेल सबको आजमाया गया है, लेकिन अभी तक कोई स्थायी विकेटकीपर बल्लेबाज टीम इंडिया को नहीं मिल सका है। ईशान किशन को तो लगातार मौका ही नहीं दिया गया, वहीं ऋषभ पंत T20I में खुद को साबित नहीं कर सके। कुछ ऐसा ही हाल संजू सैमसन का भी है, और अगर पहले T20I मैच में बांग्लादेश के खिलाफ संजू सैमसन को मौका दिया गया और वह फेल रहे तो यकीनन एक और मौका दिया जा सकता है, लेकिन अगर वह दूसरे T20I मैच में भी फेल रहे तो फिर शायद ही उनको तीसरे T20I मैच में मौका दिया जाए। बांग्लादेश से T20I सीरीज के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन के अलावा जितेश शर्मा का भी चयन किया गया है। संजू सैमसन ही इस सीरीज में ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, और अगर वह पावर प्ले का फायदा उठाने में सफल रहे तो यकीनन बड़ी पारियां खेल सकते हैं।